आपको गारंटी दे रहा हूं कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी उस दिन हम इन तीन काले कानूनों को रद्द करके खत्म करके वेस्ट पेपर बास्केट में फेंक देंगे। और आप गए आपने अपना पैसा बैंक में डाला, क्या हुआ? नरेंद्र मोदी ने आपके पैसे को लेकर हिंदुस्तान के सबसे दो तीन बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया। जब किसान बैंक से पैसा लेता है डंडे मार के उससे ये पैसा वापस लेते हैं, मगर अगर अदानी और अंबानी बैंक से पैसा लेता है प्यार से नरेंद्र मोदी जी उनका कर्जा माफ। जीएसटी छोटे व्यापारियों को स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों को मारने का तरीका है। नरेंद्र मोदी जी अंबानी और अदानी के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं, यह आपको समझना है। जल्दी यह थी कि कोविड आज फैला हुआ और नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि अगर हमने किसान के खेत मजदूर के पैर से कुल्हाड़ी मारी तो कोविड के समय किसान कुछ नहीं कर पाएगा, मजदूर कुछ नहीं कर पाएगा। किसान मजदूर सबके सब सड़क पर आएंगे, आपकी सरकार से लड़ेंगे और इन कानूनों को रद्द करके दिखाएंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है कि अगर हम सब के प्रयासों से स्वराज आता है तो सबसे पहले और सबसे ऊपर किसानों की आवाज रखी जानी चाहिए। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार सांसद बनकर लोकतंत्र के मंदिर की दहलीज को चूमकर माथा टिकाकर संसद में आए थे तो लगा था कि गांव गरीब किसान मजदूर की आवाज को हक मिलने जा रहा है, लोकतंत्र पुष्पित पल्लवित होने जा रहा है। लेकिन कृषि अध्यादेशों को कृषि कानून में बदलने की जो जल्दबाजी केंद्र सरकार ने दिखाई, नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई, उससे लोकतंत्र पुष्पित पल्लवित होने की बजाय कलंकित हुआ है। ये प्रेमचंद के गोदान के जो गोबर और धनिया थे ना, अब वो उतने कमजोर नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संभवतः अभी अचानक बिहार बड़ी चिंता में आ गया है सबके, मैं जानता हूं वजह, तो बिहार में संबोधित करते हुए कहा कि गुमराह कर रहे हैं कोई। अरे साहब, आपने तो राहें गुम कर दी तो गुमराह कौन क्या करेगा। नंबर तीन, आज इससे पहले कि मैं बिल पे बोलूं, मैं तमाम दलों से अपील करता हूं और ये हृदय विदारक अपील है कि दलों के दायरे से ऊपर बढ़िए, क्योंकि किसानों ने व्हिप जारी कर दिया है। आपको यह तय करना है कि दल के इतिहास में रहिएगा या किसानों के दिल के इतिहास में रहिएगा, यह आपको तय करना होगा। मैं आपको कह रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये निर्बलीकरण का जरिया है, निर्बलीकरण का। किसान की समझ आखिर क्या है? मुझे तो लगता है कई दफा, मैं माफी के साथ कहता हूं, हमारे मंत्री महोदय संजीदा व्यक्ति हैं, लेकिन क्या संकल्पना किसानों की हॉलीवुड की फिल्मों से लेके आ रहे हैं? क्या हिंदुस्तान के किसान को समझते हैं आप? छोटे मझोले जोत के, मैं एक परिवार से आता हूं, कल्पना करिए बिहार में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में 4 कट्ठा 5 कट्ठा 6 कट्ठा 1 बीघा जो कंजम्पशन से थोड़ा ऊपर, उसकी खरीद के लिए शार्क आएगा वहां, उसके उसके उत्पाद के खरीद के लिए। मैं समझता हूं थोड़ा चिंतन, थोड़ी संजीदगी होनी चाहिए। मेजॉरिटी बहुत टेंडेंसी प्रोड्यूस करती है, इस तरह के जो मैंने पहले भी कहा लो हैंगिंग फ्रूट से बचना चाहिए। एपीएमसी में करप्शन के इश्यूज है, मैं मानता हूं, लेकिन ऐसा तो आप नहीं कर सकते हैं ना कि आप यू थ्रो द बेबी विद द वॉट वाटर। शांता कुमार कमेटी ने आपसे पहले कहा, उसके कुछ सुझाव थे। अब शांता कुमार जी तो विपक्ष के नहीं थे, आपकी पार्टी के हैं, उनको सुन लेते। अच्छा,
जमाखोरों बिचौलियों को खत्म करना चाहते हैं। तो आपके जो मैं बिल का अध्ययन करता हूं, तो आप रोहू कतला को हटा करके शार्क को ला रहे हैं। कमाल कर रहे हैं साहब, कमाल कर रहे हैं। हमारा अनुभव यह भी बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मूलतः कैश क्रॉप्स क्रॉप्स के इर्द गिर्द घूमता है। वैसे ही फसलों का क्या होगा, खाद्य की फसलों का क्या होगा, उस पर आपका नजरिया मैं समझता हूँ। मैं जैसे बिहार को लेकर के कह सकता हूँ, आपकी MSP निर्धारित है मक्के के लिए कुछ, सर 700 रुपए नीचे में खरीद होती है, क्योंकि किसान की संकल्पना करनी होगी। 5 कट्ठा जमीन है मेरे पास, मैंने प्याज उपजाया है, प्याज को निपटा करके अगली फसल लगाऊंगा। सर कल मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि किसान के बारे में उसकी संपूर्णता में सोचिए, वो किसान आपसे क्या चाह रहा है। और एक चीज मैं इस और भी कहना चाहूंगा कि आपके तमाम बिल्स और एक्ट्स में देख रहा हूं बीते दिनों में, आप सहकारी संघवाद कहते हो रेडियो टेलीविजन पर, और अहंकारी संघवाद के हिसाब से काम करते हो, राज्यों के दायरे में घुसते जा रहे हैं। तो मैं तो अपील करूंगा, एक झटके में राज्यों को खत्म कर दीजिए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। केंद्र सरकार खेती से जुड़े ऐसे 3 कानून लाई है जिसको लेकर हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के किसान सड़कों पर है। ये पहली सरकार है जो किसानों से बिना पूछे, किसानों से बात किए बिना इस तरह के कानून लाती है। जैसे पहले भाइयों और बहनों नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, उसके बाद GST की, और कोरोना के समय उन्होंने किसानों को, मजदूरों को, छोटे बिजनेसेस की कोई मदद नहीं की, उसी प्रकार ये भी किसानों पर आक्रमण है, और इस आक्रमण को हम रोकेंगे, इन कानून के खिलाफ हम लड़ेंगे। पंजाब को इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, हरियाणा और पंजाब को, और अगर MSP जाएगी, अगर ये एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है अगर ये टूटेगा, तो पंजाब को भविष्य में रास्ता नहीं मिलेगा। तो हम एक प्रकार से पंजाब की, हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की, राजस्थान के किसानों की और इसके लोगों की रक्षा कर रहे हैं। वास्तव में ये जो 3 कानून हैं, इन कानूनों के माध्यम से देश के ढांचे को तोड़ा जा रहा है, वो ढांचा जो पिछले 74 साल में हमारे देश की विभिन्न सरकारों ने साल दर साल खड़ा किया था। सबसे पहले उन्होंने नोटबंदी और GST के द्वारा अर्थव्यवस्था को ध्वस्त किया, जिसके माध्यम से हमारे यहाँ युवा भारी संख्या में बेरोजगार हो गए, वो युवाओं पर हमला था। अब देश की खेती और खेती की जमीन पर कब्जा करने की होड़ शुरू हो रही है, और उसके लिए इस बार मोहरा है किसान और किसानी। राहुल गांधी जी इस सवाल पर बार बार जवाब देते हैं और कहते हैं कि ये देश की व्यवस्था को खत्म करने की एक साजिश है, इस षड्यंत्र के बाद अगर हमने इसको जम जाने दिया तो पूरा भारत कभी भी उठ नहीं पाएगा। आने वाले समय में हम खाद्य सुरक्षा और देश की अर्थव्यवस्था को चौपट होते हुए देख सकते हैं। पहले आपने स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस पे आक्रमण किया, उनको आपने खत्म कर दिया, फिर आपने GST कोविड के समय आपने अपने 2-3 मित्रों की मदद की, लाखों करोड़ रुपए आपने उनका माफ कर दिया। मजदूर घर पैदल जा रहे थे हजारों किलोमीटर, पानी नहीं था, भोजन नहीं था, आपने एक शब्द नहीं बोला, उनको आपने वार्निंग ही नहीं दी, एक दिन वार्निंग नहीं दी, कमरे में बैठे आपने कहा लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन कर दिया, मर गए वो 100-200 लोग वैसे ही मर गए। आपने जो देश की रीढ़ की हड्डी है, जो इस देश को रोजगार देती है, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को खत्म कर दिया है ये देश। और आप देखना, मैंने फरवरी में कोरोना की बात की थी, उन्होंने कहा राहुल गांधी मजाक कर रहा है। अब देखिए समझ किसको है किसको नहीं है। एक व्यक्ति आपको कह रहा है, फरवरी में कह रहा है कि कोरोना से हिंदुस्तान की इकोनॉमी
हिंदुस्तान के लोगों पर बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है। और दूसरा व्यक्ति कह रहा है 22 दिन में ये लड़ाई जीती जाएगी। समझ किसको है ये तो आपको जज करना है, मैं तो नहीं कहूंगा। एक व्यक्ति कहता है 22 दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगी, उसको ये भी नहीं मालूम कि कोरोना है क्या, देश क्या है, कैसे चलता है। उस टाइम भी मेरा मजाक उड़ा रहे थे, और अब मैं आपको बता रहा हूं और आप लिख के ले लीजिए, आज भी मजाक उड़ाएंगे, मगर 6 महीने बाद याद रखना जो मैं आज कह रहा हूं। दो चीजें आपसे कहूंगा, पहली बात, यह देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। नरेंद्र मोदी ने ढांचा तोड़ दिया है, अब नरेंद्र मोदी खेती के ढांचे को तोड़ने जा रहा है। अगर नरेंद्र मोदी ने खेती के ढांचे को तोड़ दिया तो एक तरफ रोजगार नहीं मिलेगा, दूसरी तरफ भोजन। देश का किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर सड़कों पर है, लेकिन सरकार उसकी मांग की गारंटी कानूनी अधिकार देने की बजाय उसे भाषण पिला रही है। ठीक वैसे ही जैसे 2014 के चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, और ठीक वैसे ही जैसे हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन ये चुनावी भाषण आज किसानों के लिए नासूर बन चुके हैं। मैं बिना किसी भूमिका के आज अपनी बात कहना चाहता हूं, क्योंकि इस देश का स्वाभिमान 2 हिस्सों में बट चुका है। एक तरफ करोड़ों किसानों का सम्मान है, दूसरी तरफ लुटियन दिल्ली के विशाल बंगलों में भारी सुरक्षा के बीच अकाल के दौर में भी मोगरा गुलाब की खुशबू में सराबोर रहने वाले राजाओं का सम्मान है। एक तरफ उन नौजवानों का सम्मान है जिनकी आंखों से उम्मीदों की रोशनी तक छीन ली गई है, और दूसरी तरफ सत्ता के उन खेले खाए अघाए सत्ताधीशों का सम्मान है जिनके लिए चाय बेचना और चाय पिलाना राजनीति के भयावह आडंबर से ज्यादा कुछ नहीं है। मेरा सवाल आपसे है और बहुत सीधा है, आप किस तरफ खड़े हैं? और अगर हिंदी कविता के शलाका कवि मुक्तिबोध के शब्दों में पूछूं तो पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? आप इस देश के कोटि कोटि किसानों के अरमान के साथ हैं या अरबपतियों के साथ खड़े पीएम मोदी के अरमान के साथ? आप इस देश की सड़कों पर अनाथ छोड़ दिए गए नौजवानों के साथ हैं या हरिवंश जैसे नैतिकता के गिरे हुए मकानों के साथ? आप भुजाओं में जोम लिए काम को भटकते अवाम के साथ हैं या उसे हर दिन नीचा दिखा रहे हुकूमत के फरमान के साथ? तो बताओ पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, क्योंकि तुम दोनों के साथ खड़े नहीं हो सकते। ये जो खेती से जुड़े 3 कानून हैं जिनको लेकर पूरे देश का किसान सड़कों पर है, क्या वजह है इन कानूनों में कि ये किसानों के समझ से परे हो रहे हैं? प्रधानमंत्री भाषण दे देकर अखबारों में इश्तेहार छाप कर कह रहे हैं कि ये किसानों के हित में है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। इसमें पहला कानून है 1955 का आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिसमें ये कहा गया है कि आपात स्थिति और बाह्य आक्रमण अर्थात युद्ध के समय को छोड़कर जमाखोरी को कानूनी रूप प्रदान कर दिया गया है, अर्थात कोई भी व्यक्ति कितनी भी राशि कितनी भी क्षमता से अपने खाद्यान्न वस्तुओं का भंडारण कर सकता है, जो अब तक कानूनन अपराध था। जाहिर सी बात है कि 2 कमरे के मकान में रहने वाला किसान भंडारण कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो बीज तक नहीं बचा सकता है। वो सीधी सी बात ये है कि ये कानून उद्योगपति यानी कि नरेंद्र मोदी जी के मित्रों को फायदा देने के लिए बनाया है। ये सिस्टम है, ये फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है, MSP है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, मंडियां हैं, ये एक प्रकार से किसान का फूड सिक्योरिटी का एक किला है, ये प्रोटेक्ट करता है। किले में कमियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कमियां नहीं, कम मंडियां हैं, करप्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, मगर किले को अगर आपने तोड़ दिया तो किसान बच नहीं सकता। अब नरेंद्र मोदी किले को क्यों तोड़ रहे हैं? नरेंद्र मोदी ने GST क्यों की? नरेंद्र मोदी ने डिमोनेटाइजेशन क्यों किया? नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के समय गरीबों की मदद क्यों नहीं की? 2 नाम दे सकता हूं आपको,
अंबानी, अदानी। ये ट्रायंगुलर ग्रुप है, अदानी, मोदी, अंबानी। और नरेंद्र मोदी का काम रास्ता साफ करने का है। उनको ऑर्डर दिया गया है कि स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को खत्म करो, किसानों को खत्म करो, मजदूरों को खत्म करो और हमारे लिए रास्ता खोलो। दूसरा कानून जो है उससे मंडी की प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी। मंडी खत्म हो जाएगी तो किसान का अभिमान खत्म हो जाएगा। मंडी खत्म हो गई तो उसकी जो संगठन की क्षमता है, सरकार के काले कानूनों का विरोध करने की क्षमता है, वो खत्म हो जाएगी। हर तहसील प्रांगण के पास मंडी होती है जहां किसान तहसीलदार का विरोध कर देता है, एसडीएम का विरोध कर देता है और सरकार को अपनी गुस्सा और सविनय अवज्ञा से अवगत कराता है। परंतु अगर मंडी खत्म हो गई तो समझो किसान की वो लोकतांत्रिक अधिकार मांगने की जो संगठन की क्षमता है वो भी खत्म हो जाएगी। आज 40 किलोमीटर के रेडियस में मंडी होती है, हम 4 किलोमीटर के रेडियस में मंडी लगाएंगे। हम इस सिस्टम को, जो इसकी कमियां हैं उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, मगर हम इस सिस्टम को तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमने ये सिस्टम तोड़ दिया तो किसान गया। अब सिंपलिस्टिक बात है, नरेंद्र मोदी जी को शायद समझ ही नहीं है, पता नहीं, अगर आपने सिस्टम तोड़ दिया, अगर पूरा एग्रीकल्चर का आपने सिस्टम ही तोड़ दिया तो फिर किसान की प्रोटेक्शन कहां रही। तो हमारी जो फिलोसफी थी कि हम जानते हैं कि मंडियों में कमी है, हम जानते हैं कि वहां पे करप्शन है, बट हम इस सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहते हैं। वो कॉम्प्लिकेटेड मामला है, आसान मामला नहीं। नरेंद्र मोदी जी जो सच्चा चैलेंज है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। नरेंद्र मोदी कहते भैया इसको मैं उड़ा देता हूं। बिहार के चंपारण में 1917 में महात्मा गांधी ने किसानों को नील के ठेकेदारों से मुक्त कराया था। और कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, परंतु नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत कंपनी प्रधान भारत होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट खेती यानी कि ठेके पर खेती की व्यवस्था इन तीसरे कानूनों के माध्यम से नरेंद्र मोदी ने कर दी है। इस कानून के माध्यम से देश के किसानों को अपनी ही जमीन पर मजदूर बनाने का काम किया जा रहा है। ये आज नहीं होगा, ये 4 सालों बाद या 10 सालों बाद होगा, जब किसान खाद के लिए, बीज के लिए, कीटनाशकों के लिए पूरी तरह से बड़े बड़े कारपोरेट, बहुराष्ट्रीय कंपनी और नरेंद्र मोदी जी के मित्रों अडानी और अंबानी पर निर्भर हो जाएगा। उस समय मजदूर बनने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं होगा। अगर किसानों को फायदा होता तो नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट हाउस में डिबेट क्यों नहीं कराई? उधर वो भी बोलते, हम भी बोलते। अगर फायदा होता तो कोरोना के समय, जब वो जानते हैं कि किसान बाहर नहीं आ पाएगा, हम हरियाणा जा रहे हैं, आज सरकार कह रही है कोरोना का समय, जब वो जानते हैं कि किसान रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने ये बिल क्यों पास किया? ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के क्यों नहीं बोलते नरेंद्र मोदी जी कि ये किसानों के हक में है? पंजाब में आगे क्यों नहीं बोलते? पंजाब के किसानों के साथ खड़े होकर क्यों नहीं बोलते? पहला सवाल, जैसे मैंने कहा, ये एक सिस्टम है। ये सिस्टम हिंदुस्तान का फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है। इससे सिर्फ किसानों का नुकसान नहीं होगा, इससे कंज्यूमर का भी नुकसान होगा। किसान की जमीन जाएगी, उसको सही दाम नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मंडी की कोई जरूरत नहीं। हजारों मंडी है हिंदुस्तान में, मंडियों में वर्कर्स काम करते हैं, स्मॉल ट्रेडर्स हैं, किसान जाता है, लोडर्स होते हैं, लाखों में होंगे हिंदुस्तान में, उनका क्या होगा? अंबानी जी, अदानी जी ऑटोमेट कर देंगे, मशीनें लगा देंगे, ये जो लाखों लोग हैं जो आज एग्रीकल्चरल सिस्टम में काम करते हैं, इनका क्या होगा? ये सब गुलाम बनेंगे।